मैं एक भगवंत मान नूं गल चंगी तरह कह देना चाहता, भगवंत मान जो तू ये काम कर रहे हैं ये तेनू यदि कीमत बहुत भारी भुगत रही है। किसी गलत फहमी का शिकार ना रहे, किसी एक केस भी कोई भी आदमी जिहड़ा पिछले दिनों में साडा इनवॉल्व किया किसी के खिलाफ कोर्ट के कोई चीज़ साबित नहीं होती, बट जान बुझ के सीनियर लीडरशिप को बदनाम करना चाहते। इस तरह के सारी समुची कांग्रेस निरी पंजाब की नहीं हिंदुस्तान सोनी साहब की पिट पिछे, ये साढ़े जेरे साथी नहीं साढ़े भरा भी ने। मैं समझना उन्होंने अज मन दे विच की गुजर रही होनी है, 68 साल की एज दे विच जिन्हों हार्ट का पेसमेकर ऑलरेडी पै चुके हैं, जेडे क्रिटिकल हालत दे विच बॉम्बे हॉस्पिटल च रहे सी। मैं एक भगवंत मान नूं ये गल चंगी तरह कह देना चाहता, भगवंत मान जो तू ये काम कर रहे हैं ये तेनू यदी कीमत बहुत भारी भुगत रही पै, किसी गलत फहमी का शिकार ना रह। ये शिकार होर भी पोलीटिकल जमातों के लीडर रहे जिहड़े कहिंदे सी 25-25 साल राज कर, 10-10 साल बाहर हो गए ने, ते जिद्दण वारी आ गई तेनू यदी बहुत वड्डी कीमत अदा करनी पड़ी। एक चंगी तरह समझ, मैं एक होर अपने टीवी के भरावान के जरिए या प्रेस के भरावान के जरिए समुचे पंजाब नूं इह गल कहना चाहना, बकायदा तौर तुसीं वेखो इन्हां दी डबल फेस्ड पॉलिसी। पहले इन्हां ने कुछ फाइलां कोशिश कीतियां खोलन दियां, फाइलों के विच IAS अफसर काबू आ गए, सारे नो वड्डा पंजाब दा मौजूदा पंजाब दे विच स्कैम होया PSIEC दा स्कैम, जिहदे विच तकरीबन 5 to 7 हज़ार करोड़ रुपया इनवॉल्व। वह मैं भगवंत मान नूं पुछना चाहना, भगवंत मान जी की गल उस IAS अफसर नूं अजे तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया जी? वो लेडी IAS अफसर जिहदा FIR च ना है पिछले 6 महीनों का, तुसीं इस गल कर गिरफ्तार नहीं किया क्योंकि उहदा घर दा भी IAS है, तेरे प्रिंसिपल सैकटरी ने, तेरे चीफ सैकटरी ने, सारे IAS इकट्ठे हो गए कि मान साहब जी इन्हों हाथ पाया साड़ी बरादरी नूं अहीं काम करना बंद कर दे। उस तो बाद एक बहुत वड्डा अमरूदा का स्कैंडल होया मोहाली दे कोल, एक 8 लेन सड़क निकलनी एयरपोर्ट तो शहर के, जदों इन IAS अफसरों नूं पता लगा इन्होंने पहले वह जमीन खरीदियां, फिर किसी ने सलाह दी कि जिहड़ी जमीन है इहदा मुआवजा तो कला नैशनल हाईवे तुहानूं जमीन का देगा, जे होर एक्सट्रा पैसे लेने ने तो इहदे विच तुसीं बाग विखा दो लाया जी, एक किले दे विच 120 अमरूदा के बूटे लगते ने एवरेज। इन IAS अफसर ने 1200 बूटा एक किले चो विखा। मैं पूछना चाहना भगवंत मान नूं, तेनू ओम प्रकाश सोनी जी तो याद आ गए भगवंत मान, वो दो औरतां कित्थे ने? एक दा घर दा इस टाइम डिप्टी कमिश्नर लगा है तेरे नज़दीक है, एक तुहाडा इस टाइम एक्साइज दा कमिश्नर लगा है, की गल उन्हां दोनों दियां जनानियां जिन्हां दा FIR च ना है अजे तक अरैसट क्यों नहीं कीतियां गईयां? उहदा मतलब है कि तुसीं IAS, तुसीं IPS, तुसीं PCS इन्हां नूं प्रोटेक्ट करना चाहते हो, तो इस कार ये जिहड़ा उदन दा इन्होंने एक रुख बदल लिया कि फाइल ना कढ़ो, कोई जे फाइल कढ़ी तो पहले IAS काबू आने, मिनिस्टर को तो फाइल सारे नूं खीरते जाती है, साइन होने तो बाद फिर थलों की फाइल आती। उदन दा इन्होंने स्ट्रैटेजी विजिलेंस ब्यूरो ने बदली कि अफसरों ना छेड़ो जी, फाइल में हाथ ना पाओ, तुसीं हुण डिसप्रपोर्शनट असैट्स का केस बनाओ। इस किसी केस भी मैं शर्तिया गल कह सकता, किसी एक केस भी कोई भी आदमी जिहड़ा पिछले दिनों में साडा इनवॉल्व किया किसी के खिलाफ कोर्ट के कोई चीज़ साबित नहीं होनी, बट जान बुझ के सीनियर लीडरशिप को बदनाम करना चाहते, ये जान बुझ के कांग्रेस का वेखो एक वड्डी गल समझो, दो ही पार्टियां ने जिन्हों का सैकुलर बेस है, BJP का तो अकाली दल का बेस वक्र है, इन्हों की कोशिश है कि पार्लीमेंट पोल्स तो पहले असी कांग्रेस की लीडरशिप को गिरफ्तार करिए, लोगों में बदनाम करिए, इन्हों डिमोलिश करिए, इन्हों बैकफुट पर लिया के इन्हों का काडर अपने असी शामिल करिए, भावें सरपंच ने, भावें तो कारपोरेशन के मैंबर ने, भावें म्यूनसिपैलिटिया के मैंबर ने,
ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਇਹ ਡਿਫੈਕਸ਼ਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਹ ਵੀ ਕੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਲਕ ਰੱਖਦੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀਆਂ।